हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। लखनऊ के पार्ट वन के बाद हम लेके आए पार्ट टू, तो बने रहिए आप इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि हमने पहला पार्ट में आपको लखनऊ मेट्रो के बारे में बताया था और लखनऊ चारबाग स्टेशन के बारे में बताया था जो हमने आगरा से शुरू किया। तो अब हम हजरतगंज के अंदर हैं जो हमने लास्ट पार्ट में छोड़ा था। अब मैं जा रहा हूँ अपने मैच की टिकट लेने के लिए हजरतगंज में तिलिस्म के शोरूम पर। तो ये मैंने लिए अपने मैच की टिकट, मैं इसी काम से लखनऊ आया था। ये तिलिस्म का शोरूम है, ये लखनऊ बॉक्स ऑफिस है, लखनऊ सुपर जायंट्स का टिकट प्रिंट हो रही है। तो टिकट ली मैंने भैया से और मैं अब आगे के लिए, क्योंकि मैच तो शाम को 7 बजे था, ये मेरी टिकट है। तो मैं निकल गया रूबी गेट के लिए। तो ये गोमती के ऊपर ये पुल बना हुआ है, ये नीचे गोमती नदी रिवर बह रही है। तो मैं ऑटो में बैठ के अब रूमी दरवाजे की ओर जा रहा हूँ, रूमी दरवाज़ा जो तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। तो रास्ते में ये एक मस्जिद पड़ी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसका ऑटो से ही कैप्चर किया था इसको, मैंने बैठे बैठे ऑटो के अंदर से। तो अब हम पहुंच गए रूमी गेट, ये लखनऊ की शान के तौर पे माना जाता है रूमी दरवाज़ा, और जिसे तुर्की दरवाज़ा भी बोलते हैं। तो आइए चलते हैं तुर्की दरवाज़ा के पास और आपको दिखाते हैं पास से। रूमी दरवाज़ा 1784 में नवाब आसफ़ुद्दौला द्वारा बनाया गया था। यह दरवाज़ा 60 फीट ऊँचा है। दरवाज़ा आसफी इमामबाड़ा टीले वाली मस्जिद के निकट है। यह रूमी दरवाज़ा पुराने लखनऊ के प्रवेश द्वार को चिन्हित करता है। 1857 में के भारतीय विद्रोह के बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया था। अंग्रेजी में इसे तुर्की गेट भी बोलते हैं। अब हम जा रहे हैं रूबी गेट के बाद हुसैनाबाद क्लॉक टावर। यह क्लॉक टावर रिचर्ड रूस्किल बेन ने डिजाइन किया था, जो पश्चिम प्रांत के गवर्नर सर जॉर्ज कूपर को समर्पित था। इसका निर्माण नवाब नसरुद्दीन हैदर ने 1827 से 1837 के बीच कराया था। इसकी कुल लागत 2.25 लाख रुपये आई थी उस समय। यह इकलौता क्लॉक टावर है जो भारत में सबसे ऊंचा है। अब मैच का समय हो गया था, तो मैंने रैपिडो करके मैच के लिए निकल गया था, क्योंकि यहाँ पे मैं था ना हुसैनाबाद, वहाँ से एकाना स्टेडियम 13 किलोमीटर था। तो रास्ते में ये बड़ा इमामबाड़ा पड़ा था जो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और रास्ते में ये प्यारी सी पुरानी मस्जिद भी पड़ी थी जो काफ़ी बेहतर लग रही थी। रात में घूमने का मन कर रहा था, पर मैच का टाइम हो गया था तो इसलिए मुझे जाना था। तो हम उस रास्ते से जा रहे थे जिसमें मैं दोपहर में आया था हजरतगंज से। तो ये हजरतगंज का रास्ता है जो एकाना स्टेडियम के लिए जाता है। ये दोपहर वाला कि PVR शाहू सिनेमा पड़ा था रास्ते में, जो मैंने आपको दोपहर में वीडियो चालू करी थी तब दिखाया था। तो ये देखिए एक लग्जरी जगह है हजरतगंज, जो लखनऊ के लिए से अपने आगरा में सदर है ना वैसे ही। तो ये हम एकाना स्टेडियम के लिए जा रहे हैं, मैच का टाइम नज़दीक आता जा रहा है। तो अब आगे की वीडियो में आपको स्टेडियम जाके दिखाऊंगा जो तीसरे पार्ट में आएगी। तो अब मैं स्टेडियम के लिए निकल चुका हूँ, मैच स्टार्ट होने वाला है कुछ देर में। तो ओके, टाटा बाय बाय। और आपको ये वीडियो कैसी लगी शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।